लगातार ग्रीन जोन में रहे दमोह जिला में अब लगातार मरीज मिल बहुत शुरू हो गए हैं। दमोह में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6 हो गई है। इनमें से 5 मरीज दमोह के निवासी हैं, जबकि 1 मरीज रीवा सतना इलाके को है। दमोह में मंगलवार को 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो इंदौर, जयपुर, गुड़गांव और दिल्ली से दमोह लौटे थे। इस पूरे मामले की पुष्टि करी है दमोह के कलेक्टर तरुण राठी ने। उन्होंने बताई कि सबके जांच के सैंपल भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद कुल 4 नए मरीज मिले हैं। जे चारों लोगन को केयर सेंटर में भर्ती कराओ गए है। उनकी ट्रेवल हिस्ट्री की पुख्ता जानकारी ली जाए है, इसके बाद आगे की कार्रवाई करी जाए। इन सबको दमोह जिला मुख्यालय पे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराओ जा सकते है। कुल मिला के दमोह में लगातार केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और अब तक कुल 6 मरीज हैं, जिनमें से 5 मरीज दमोह जिला के, जबकि 1 मरीज सतना जिला को बताया जा रहा है। देखिए, अभी सूचना मिली है कि अपने जिले के जो हमने सैंपल्स भेजे थे, उनमें से 4 सैंपल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, और चारों ही लोग जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, जो अलग अलग ब्लॉक में हैं, वहाँ पर हैं। एक हटा में है और 2 लोग हिंडोरिया कोविड केयर सेंटर में हैं, और 1 लोग अपने जो जिला स्तरीय कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर हैं। जी, हिस्ट्री क्या है सर? नहीं, हिस्ट्री सभी की, इन चारों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे, अभी हमको केवल सूचना मिली है। अभी हम लोग जा रहे हैं उन पेशेंट से चर्चा करने के लिए। चर्चा के बाद में डिटेल्ड जो हिस्ट्री होगी वो बताएंगे, लेकिन प्राइमरली निकला है कि चारों लोग बाहर से आए हैं। एक गुड़गांव से, एक जयपुर से, एक दिल्ली से और एक इंदौर से। टोटल संख्या, टोटल 4 हैं, और 1 ऑलरेडी हमारे यहाँ डिक्लेयर्ड पेशेंट है, और 1, जैसा आपको पता है कि वो जो सतना का पेशेंट है, उसका इलाज यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से ज़िले में 5 केस हैं, लेकिन अस्पताल में 5-6 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी डिटेल होगा तो देंगे।